हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनलिमिटेड एजुकेशन। मैं हूं रिंकी कुमारी, बात करने जा रही हूं आरआरबी एनटीपीसी एंड आरआरबी जेई सिलेबस से आप लोग का रीजनिंग, जिसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग का आज लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले आप लोग का लेक्चर नंबर 1 और 2 हो चुका है। लेक्चर नंबर 1 में हम लोग टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग देखे थे, मीन्स कोडिंग डिकोडिंग में आप लोग के कितने टाइप्स हैं, ठीक है। एंड लेक्चर नंबर 2 में हम लोग उस टाइप पे 12 क्वेश्चन किए थे कि किस किस तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोग को बता देती हूँ, मैं चाहूंगी तो आप लोग को 1 से 2 लेक्चर में भी हर टॉपिक को समाप्त कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं हर एक टॉपिक पे 3 से 4 लेक्चर या 5 लेक्चर बनाती हूँ, ताकि आप लोग सिर्फ वीडियो देख के ही सारे टॉपिक का प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो आज के सेशन में भी हम लोग देखते हैं कि लेक्चर नंबर 3 में हम लोग किस तरीके का क्वेश्चन लिए है। और हाँ, हर एक लेक्चर में जितने भी टाइप्स के आप लोग के कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन हो सकते हैं, सारा क्वेश्चन हम लोग हर लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं, ताकि ये नहीं कि एक लेक्चर में सिर्फ लेटर कोडिंग के बारे में बात करेंगे, दूसरे लेक्चर में सिर्फ नंबर के बारे में, ऐसा नहीं कर रहे। हर एक सेट में आप लोग देख लेना, 10 क्वेश्चन ले रहे हैं या 15 क्वेश्चन ले रहे हैं, लेकिन सारे टाइप्स के कोडिंग डिकोडिंग देख रहे हैं, ठीक है। आज के इस लेक्चर में किस तरीके का क्वेश्चन हम लोग लिए हैं देखो, और हर एक टॉपिक में आप लोग को इतना क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करा दे रही हूँ कि आप लोग रीजनिंग में इजिली आप लोग 25 to 30 मार्क्स इजिली गेन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ, ये तभी पॉसिबल है जब आप लोग सारा वीडियो कंटिन्यू रखोगे, मींस आप लोगों को गैप नहीं करना है। जैसे जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, वैसे वैसे आप लोग फॉलो करते चलो, ठीक है। और हाँ, कहीं से अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर कहीं भी प्रॉब्लम होती है, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट करो, नहीं तो आप हमारे फेसबुक पेज अनलिमिटेड एजुकेशन पे क्वेश्चन पोस्ट करो, वहां पे आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे। चलो लेक्चर की तरफ देखते हैं कि आज के इस लेक्चर में किस तरीके का क्वेश्चन है। देखो, लेक्चर नंबर 2 में बहुत लोगों ने कमेंट किया है कि मैम इंग्लिश में क्वेश्चन प्रोवाइड कीजिए, इंग्लिश में क्वेश्चन प्रोवाइड कीजिए। तो यहाँ मैंने दोनों लैंग्वेज में आप लोग के क्वेश्चन लिखे हैं। जिन लोगों को हिंदी समझ में आती तो वो हिंदी में रीड करके क्वेश्चन को सॉल्व करना, एंड जो लोग इंग्लिश समझते हो तो वो इंग्लिश में रीड करके सॉल्व करना, ठीक है। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन है कि इफ द लेटर इज प्रभा आर कोडेड एज 27595 एंड तिलक आर कोडेड एज 368451, हाउ कैन तिहाड़ बी कोडेड। क्वेश्चन आप लोग हिंदी में रीड कर लेना, ओके। बोला जा रहा है कि एक आप लोग को लेटर दिया हुआ है प्रभा, और उसको कोड किया है उसने 27595 में, एंड तिलक को उसने कोड किया है 368451 में। तो आपको पूछा जा रहा है कि तिहाड़ का कोड क्या होगा। देखो, हो क्या रहा है तो वो आप लोग क्वेश्चन देख के समझ सकते हो। प्रभा को 27595, यहाँ पे देखो उसने 25 लिया है, 25 कहने का मतलब यहाँ पे 2A है, ठीक है। यहाँ देखो तिलक में भी A यहाँ पे है, यहाँ भी 5 लिया है। तो क्या इस 5 को देख के आप लोग बता सकते हो कि जिस तरीके से लेटर दिया हुआ है उसी तरीके से उसने कोड किया है, मीन्स जिस पोजीशन पे P है उस पोजीशन पे उसने 2 लिखा है, R के जगह 7 लिखा है, A के जगह 5 लिखा है, B के जगह 9 लिखा है, एंड A के जगह 5 लिखा है। क्यों पता लगा रहे? क्योंकि सिर्फ A के कोडिंग से मुझे इतना चीज पता चला। देखो, यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे आपका A है तो थर्ड पोजीशन पे 5 है, फिफ्थ पोजीशन पे A है तो फिफ्थ पोजीशन पे 5 है। दूसरे कोडिंग में देखो, फिफ्थ पोजीशन पे आपका A इवन है तो फिफ्थ पोजीशन पे उसने 5 लिखा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका कि प्रभा में P का कोड को 2 लिखा है, R के कोड को 7, A को 5, P को 9 एंड A को 5। उसी तरीके से तिलक में T को 3 लिखा है, H को 6, I को 8, L को 4, A को 5 एंड K को 1 लिखा है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हो क्या रहा है। तो क्या हम लोग तिहार नहीं लिख सकते हैं? TIHAR, ये आपका दिया हुआ है भाषा, तो क्या इसका कोड इजिली आप लोग निकाल सकते हो? तो देखो, T क्या है तो T के जगह हम लोग 3 लिख सकते हैं, I के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, H के जगह देखो H आपका कहाँ पे है तो H यहाँ पे है तो H के जगह 6 लिख सकते हैं, A के जगह 5 लिख सकते हैं एंड R के जगह 7 लिख सकते हैं। तो आपका कोड क्या है तो 38657, 38657 मीन्स ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर।
इसी तरीके से आप लोग का कोडिंग डिकोडिंग का ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, समझ गए होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड ब्रेन इज रिटेन एज सिंबल दिया हुआ है और टायर इज रिटेन एज, इसको भी सिंबल से उसने डिनोट किया, हाउ इज इंटर रिटेन इन दैट कोड। क्वेश्चन आपको यहाँ पे भी हिंदी में मेंशन है, आप लोग देख सकते हो। ब्रेन को उसने कोड किया है एंड टायर को उसने कोड किया और इंटर का कोड पूछ रहा है, हो क्या रहा है। तो ये देखो ब्रेन और टायर में देखो तो कुछ कॉमन आपको दिख रहा है, तो कॉमन दिख रहा है क्या, तो आर मुझे कॉमन दिख रहा है। आर देखो यहाँ पे भी है और आर यहाँ पे भी है। आर का कोड देखो तो आर को उसने यहाँ पे परसेंटेज एंड आर को यहाँ पे परसेंटेज, तो आर के और परसेंटेज को देख के आप लोग समझ गए होंगे कि जिस पोजीशन पे मींस ब्रेन है आपका, आपका जो ब्रेन है तो ब्रेन को कोड किया है इनटू परसेंटेज डिवाइडेड हैश एंड एन को मल्टीप्लाई, ठीक है, और इसने टायर TIER टायर को कोड किया है डॉलर हैश प्लस और परसेंटेज, ठीक है। आर का देखो यहाँ पे परसेंटेज है और का आर का परसेंटेज है, यानी इजिली बता सकते हैं कि बी को उसने इनटू में कोड किया है, ए को डिवाइडेड में, आई को हैश, एन को क्रॉस, टी को इसी तरीके से उसने यहाँ पे डॉलर में, आई को हैश में, ई को प्लस में अगर कन्वर्ट किया है तो हम लोग इंटर का बता सकते हैं। आपका कोड है ENTER इंटर, ठीक है। ई देखो दो जगह है, ई का कोड किया है प्लस है, यानी यहाँ पे भी प्लस होगा और यहाँ पे भी प्लस होगा। आर को उसने परसेंटेज लिखा है, एन को उसने मल्टीप्लाई लिखा है एंड टी को उसने डॉलर लिखा। आप देखो ये सिंबल कहाँ है, तो प्लस है, इनटू है, डॉलर है, प्लस और डिवाइडेड है, मींस ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि इफ इन अ कोड लैंग्वेज पेरेंट इज रिटेन एज TNERAPE हाउ इज चिल्ड्रन रिटेन इन दैट कोड। पेरेंट को उसने क्या लिखा है, पहले देख लो कि कोड क्या है आपका, PARENT पेरेंट को उसने लिखा है TNERA और पेरेंट को उसने लिखा है TNERAPE, हो क्या रहा है। ये देखो जिस तरीके से लेफ्ट टू राइट मूवमेंट हो रहा है तो उसका डिकोड क्या हो रहा है, राइट से लेफ्ट की तरफ मूवमेंट हो रहा है। ये देखो PARENT जा रहा है तो PARENT कोड समझ गए होंगे, हो क्या रहा है। जो कोड आपका लेफ्ट से राइट जा रहा है तो उसको डिकोड उसने क्या किया है, राइट से लेफ्ट की तरफ। तो सिंपली हम लोग क्या चिल्ड्रन को नहीं देख सकते हैं, तो डायरेक्ट आप लोग आंसर देखो, जो चिल्ड्रन आपको लेफ्ट से राइट लिखा है तो अब मुझे राइट से लेफ्ट की तरफ लिखना है। अब देखो सारा, यानी सबसे लास्ट सी होना चाहिए और आपके एक ही ऑप्शन में सी लास्ट है, यानी बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देख लो CHILDREN मीन्स ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो देखो जिस क्वेश्चन में ट्रिक अगर यूज होगा तो मैं आप लोग को इजीली बता दूंगी कि वहां पे ट्रिक का कंसेप्ट है। इस तरीके का क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो कि पेरेंट को डायरेक्ट उसने रिवर्स में लिखा है, तो चिल्ड्रन को मैंने डायरेक्ट ऑप्शन से चूज करके बता दिया कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर है, इफ कार इज कॉल्ड पिंक, बाइक इज कॉल्ड ब्लू, साइकिल इज कॉल्ड ब्लैक एंड एरोप्लेन इज कॉल्ड येलो, व्हाट वुड फ्लाई इन स्काई। ये क्वेश्चन देखो आप लोग के कोडिंग डिकोडिंग का टाइप है सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन। इस तरीके के टाइप में क्या होता है कि हर एक वर्ड को हम लोग दूसरे वर्ड में सब्स्टिट्यूट करते हैं। मींस कार को देखो उसने पिंक बोला है, बाइक को उसने ब्लू बोला है, साइकिल को उसने ब्लैक बोला है, एरोप्लेन को उसने येलो बोला है और पूछ क्या रहा है कि व्हाट वुड बी फ्लाई इन स्काई, मींस आसमान में क्या उड़ेगा। तो आसमान में एरोप्लेन उड़ेगा, ठीक है, और एरोप्लेन को उसने क्या बोला है, एरोप्लेन को उसने क्या बोला है, तो एरोप्लेन को उसने येलो बोला है, मींस ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, जितने भी आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन बता रहे सब प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग इन सारे क्वेश्चन को देख के आइडिया लगा सकते हो कि आगे के एग्जाम में भी पैटर्न आप लोग का सेम रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव है, इन अ कोड लैंग्वेज 1, 2, 3 मीन्स हॉट फिल्टर्ड कॉफी, 3, 5, 6 मीन्स वेरी हॉट डे,
589 मीन्स डे एंड नाइट, विच न्यूमेरिकल स्टैंड फॉर वेरी। देखो तीन कोड आपको दिया हुआ है, 1, 2, 3 का मतलब है हॉट फिल्टर्ड कॉफी, 3, 5, 6 का मतलब है वेरी हॉट डे, एंड 589 का मतलब है डे एंड नाइट। क्वेश्चन आप लोग हिंदी में देख के अच्छे से समझ जाना क्या बोल रहे हैं। एक कूट भाषा में 1, 2, 3 का अर्थ है हॉट फिल्टर्ड कॉफी, 3, 5, 6 का अर्थ है वेरी हॉट डे, 5, 8, 9 का अर्थ है डे एंड नाइट। तो आपको पूछा जा रहा है कि वेरी के लिए कौन सी संख्या होगी, पूछा क्या जा रहा है, वेरी पूछा जा रहा है। वेरी किस कोड में शामिल है वो देखो, यहाँ पे ओनली हॉट फिल्टर्ड कॉफी है, यहाँ देखो वेरी हॉट डे है, यहाँ पे आपको कोड दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ देखो डे एंड नाइट की बात हो रही है, यानी वेरी का कोड आपको इसी लाइन से मिलेगा, लेकिन यहाँ का कोड पता करने के लिए आपको हॉट एंड डे का कोड, हॉट एंड डे का कोड पता करना पड़ेगा, यानी 3, 5, 6 में कौन सा संख्या वेरी होगा वो कैसे पता चलेगा। सिंपली 3, 5, 6 है, यहाँ पे देखो 1, 2, 3 है, यानी एक कोड यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन है। अब दोनों के कोड में देखो तो वेरी हॉट डे एंड हॉट फिल्टर्ड कॉफी, यानी 3 का मतलब बोल सकते हैं कि हॉट हो गया, ओके। दूसरी बात 5, 6 आपका बचा है, लेकिन इस कोड में 5 आपको यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ पे इसका कोड है डे एंड नाइट, डे एंड नाइट, यानी बोल सकते हैं कि डे यहाँ पे भी है और डे यहाँ पे भी है, यानी बोल सकते हैं कि 5 का मतलब डे हो गया, यानी 3 और 5 का मतलब पता चल गया हॉट एंड डे। तो क्या बता सकते हैं कि 6 का मतलब क्या हो जाएगा, तो 6 का मतलब हो जाएगा वेरी। मिस ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर कि आपको वेरी का कोड पूछा जा रहा है। ये आपका रेलवे का एग्जाम है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो जो आपसे पूछा जा रहा है मींस मुझसे सिर्फ वेरी पूछा जा रहा है, तो इंडिकेट सिर्फ वेरी का करना, वेरी जिस लाइन में अगर इजी पता चल जाता है तो ठीक है, नहीं तो इस लाइन में जिस जिस वर्ड का यूज किया है उसी का कोड निकालना। जरूरी नहीं है कि हर एक वर्ड का मीन्स फिल्टर्ड का, कॉफी का, एंड का, नाइट का, ये सब का निकालने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए निकाल के बिना मतलब आप लोग टाइम वेस्ट मत करना, जितना पूछा जा रहा है उतना ही को बनाओ और आगे बढ़ो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। इन अ सर्टेन कोड रिलीफ इज रिटेन एज QFKJDG, हाउ इज वेलकम। कोड दिया हुआ है रिलीफ, RELIEF, रिलीफ को उसने क्या लिखा है, QFKJDG, हो क्या रहा है ये देखो। अगर इजिली नहीं पता चल रहा आप लोग को हो क्या रहा है, तो कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले लेक्चर में आप लोग को बता चुके हैं कि 1 to 26 नंबर याद होना चाहिए, मींस ए का पोजीशन 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, वाई का 25 होता है, जेड का 26 होता है। इसी तरीके से आप लोग को 1 to 26 याद होना चाहिए। आर का पोजीशन आपको पता है कि 18 होता है, ई का 5 होता है, एल का 12, आई का 9, ई का 5, जी एफ का 6, जी का 7 होता है, 4 होता है, 10 होता है, इसका 11 होता है, F का 6 होता है, एंड Q का 17 हो रहा है। हो क्या रहा है वो देखो, 18 से 17 हो रहा है, यानी -1 हो रहा है, मींस 18 में अगर -1 करेंगे तो आपको 17 मिलेगा, मींस R से Q मिलेगा। यहाँ पे +1 हो रहा है कि 5+1 यानी 6 हो रहा है, फिर -1 हो रहा है, फिर +1 हो रहा है, फिर -1 हो रहा है, फिर +1 हो रहा है, यानी कोड आपको पता चल गया कि जो रिलीफ दिया हुआ है उसमें -1+1 -1+1 -1+1 कर रहे हैं, तो मुझे कोड मिल रहा है QFKJDG। तो क्या आप लोग इजीली बता सकते हो कि वेलकम का क्या होगा, WELCOME। तो क्या हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं -1+1 -1+1, इसमें करेंगे -1+1 एंड -1, और ई में अगर -1 करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, डी मिलेगा, एम में +1 करेंगे तो मुझे एन मिलेगा, ओ में -1 करेंगे तो मुझे एन मिलेगा, सी में अगर हम लोग +1 करते हैं, सी में +1 करते हैं तो डी, एल में -1 यानी एल में -1 करेंगे तो के,
ई में प्लस वन करेंगे तो एफ और डब्ल्यू में माइनस वन करेंगे तो भी, यानी भी एफ के डी डबल एन डी मीन्स ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर। यानी यहाँ का क्या कोड हो जाएगा तो भी एफ के डी डबल एन डी, ठीक है। इस तरीके का भी क्वेश्चन रेलवे पूछ सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन है, इफ क्लॉक इज कोडेड एज 3, 4, 2, 3, 5 एंड टाइम इज कोडेड एज 8, 6, 7, 9 व्हाट विल बी द कोड फॉर मॉल, MOLE की, ठीक है। देखो CLOCK, यहाँ भी C है और यहाँ भी C है, इसका कोड देखो यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। मिस जिस पोजीशन पे दो जो है उसी को उसने नंबरिंग किया है, C1 पे है तो 3 है और C4 पे है तो भी 3 है, ठीक है। तो क्या हम लोग इजिली बता सकते हैं कि C को उसने 3 लिखा है, L को 4 लिखा है, O को 2 लिखा है, C को 3 लिखा है एंड K को 5 लिखा है। उसी तरीके से टाइम में T को 8 लिखा है, I को 6 लिखा है, M को 7 लिखा है एंड E को 9 लिखा है। तो क्या हम लोग बता सकते हैं कि M O L E K को क्या लिख सकते हैं? तो M को क्या है, M अगर यहाँ पे थर्ड पोजिशन पे है तो थर्ड पोजिशन पे क्या है तो आपका 7 है। O का क्या है तो O का 2 हो जाएगा, L का CL यानी 4 हो जाएगा, E का 9 हो जाएगा एंड K का 5 हो जाएगा, यानी 7, 2, 4, 9, 5, 7, 2, 4, 9, 5 यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, बैंकिंग, If banking is coded as double C Q O and T N, then how will king be coded? Banking को उसने क्या लिखा है? B A N K I N G. Banking को उसने क्या लिखा है? Double C Q O and T N. ऐसे आप लोगों को क्या पता चल रहा है कि हो क्या रहा है? B को C, A को C, N को Q, K को पता नहीं चल रहा है ना, वो क्या रहा है? तो चलो हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं। B का पता है कि 2 है, A का 1, N का 14, K का 11, I का 9, N का 14 एंड G का 7 होता है। C का देखो 3 होता है, यहाँ भी 3, Q का 17, O का 15, N का 14, T का 20, N का 14। अब देखो क्या हो रहा है पता चल जाएगा। 2 से 3 हो रहा है, यानी बोल सकते हैं कि B में प्लस 1 हो रहा है तब वो C बन रहा है। 1 से 3 हो रहा है, यानी यहाँ पे प्लस 2 हो रहा है। 14 से 17 हो रहा है, यानी प्लस 3 हो रहा है। 11 से 15 हो रहा है, यानी प्लस 4 हो रहा है। 9 से 14 हो रहा है, यानी प्लस 5 हो रहा है। 14 से 20 हो रहा है, यानी प्लस 6 हो रहा है। और 7 से 14 हो रहा है, यानी प्लस 7 हो रहा है। यानी इजिली बता सकते हो कि कोड में प्लस 1, प्लस 2, प्लस 3, प्लस 4, प्लस 5, प्लस 6, प्लस 7 करके उसने डिकोड किया है। तो क्या आप लोग अब किंग का बता सकते हो? K-I-N-G। जब आप लोग को इस कोड और डिकोड पता चल गया कि किस तरीके से कोड का डिकोड हो रहा है, तो यहाँ पे भी देख लो, किंग में K में अगर प्लस 1 करते हैं, I में प्लस 2 करते हैं, N में प्लस 3 करते हैं एंड G में प्लस 4 करते हैं तो क्या मिलेगा? K प्लस 1 यानी L, I प्लस 2 I J K, N का हो जाएगा N, O P Q, G प्लस 4 क्या हो जाएगा तो H I J K यानी L K Q K, L K Q K means ऑप्शन नंबर D is the right answer। तो आप लोग इजिली अब आप लोग को आइडिया लग गया होगा कि कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन किस तरीके से आता है, आप लोग को किस तरीके से सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है कि द वर्ड यूनाइटेड इज कोडेड एज इतना, हाउ शुड द वर्ड डिजोइन बी कोडेड। वर्ड आपको गिवन है यूनाइटेड, यू एन आई टी ई डी, यूनाइटेड को उसने क्या किया है, कोड किया है एस एल जी आर सी पी। नहीं पता चल रहा है कि हो क्या रहा है तो सबके पोजीशन को मेंशन कर दो। यू का 21, 14, 9, 20, 5, 4, 2, 3, 18, जी का 7, 12 एंड 19। हो क्या रहा है तो अब देखो, 21 से 19 हो रहा है यानी माइनस 2 हो रहा है,
14 से 12 माइनस 2, 9 से 7 माइनस 2, 20 से 18 माइनस 2, 5 से 3 माइनस 2, 4 से 2 माइनस 2। यानी यूनाइटेड के कोड में अगर हम लोग माइनस 2 करेंगे तो मुझे एस एल जी आर सी भी मिलेगा। तो क्या हम लोग बता सकते हैं कि डी आई एस ओ डब्लू एन में अगर माइनस 2 करेंगे कोड में तो क्या होगा? देख लो, आपको तीन ऑप्शन में यू गिवेन और एक ऑप्शन में एल गिवेन है। अगर एन में अगर हम लोग माइनस 2 करेंगे तो आपको एल मिलेगा। यानी इजिली बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखो, किसी किसी क्वेश्चन में आप लोग ट्रिक का यूज कर सकते हो, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में यहाँ पे किया। यूनाइटेड का कोड अगर आप लोग पता कर लिए कि यूनाइटेड के कोड में माइनस 2 हो के ये आपका कोड बन रहा है, तो क्या हम लोग डीजोवेन में माइनस 2 करके आराम से बता सकते हैं। आपका लास्ट लेटर एन है, एन में मैंने माइनस 2 किया तो डायरेक्ट एल मिला और आपके एल एक ही ऑप्शन में, तो आपको ये सारे वर्ड को चेक करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, यानी बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलो, आज के सेशन का हम लोग सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, मींस कोडिंग डिकोडिंग का, कि किस तरीके का है। क्वेश्चन है कि इफ टेबल इज बुक, बुक इज पेन, पेन इज इरेजर, इरेजर इज शार्पनर, शार्पनर इज पेंसिल एंड पेंसिल इज स्कूल, देन व्हाट इज यूज्ड बाय स्टूडेंट टू शार्प पेंसिल। देखो, कोडिंग डिकोडिंग का ये टाइप है सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हर एक वर्ड को सब्स्टिट्यूट किया गया है। टेबल को बुक में, बुक को पेन में, पेन को इरेजर में, इरेजर को शार्पनर में, शार्पनर को पेंसिल में, पेंसिल को स्कूल में। तो पूछा क्या जा रहा है कि व्हाट इज यूज बाय स्टूडेंट टू शार्प पेंसिल, यानी छात्र पेंसिल शार्प करने के लिए क्या उपयोग करेगा, मींस किस चीज का इस्तेमाल करेगा। तो स्टूडेंट शार्प करने के लिए शार्पनर का यूज करेगा। किसका? तो शार्पनर का। देख लो, आपके ऑप्शन में यहाँ पे शार्पनर दिया हुआ है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कोडिंग डिकोडिंग का सब्स्टिट्यूशन टाइप है, जिसमें हर एक वर्ड को सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। यानी आपको पता है कि पेंसिल शार्प करने के लिए हम लोग शार्पनर का यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप लोग देख लो कि शार्पनर को क्या बोला गया है, तो शार्पनर को पेंसिल बोला गया है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पेंसिल, मींस ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, चलो एक बार हम लोग सारे क्वेश्चन का रिव्यू ले लेते हैं कि आपके कोडिंग डिकोडिंग मींस लेक्चर नंबर 3 में किस तरीके के ये 10 क्वेश्चन थे। देखो, जो भी आप लोग के ये 10 क्वेश्चन थे, मींस कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी टाइप हैं, तो उन सारे टाइप का मिक्स्ड यहाँ पे क्वेश्चन लिया गया है, ताकि एक साथ आप लोग कोडिंग डिकोडिंग के सारे क्वेश्चन को देख सको। ठीक है, देखो, जब भी मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ तो उस समय आप लोग वीडियो को पॉज करना, पहले खुद से बनाना, अगर बन जाता है तो बहुत अच्छी बात, और नहीं बनता है तब फिर से वीडियो को रिज्यूम करके सारे को देख लेना कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। जहां ट्रिक का यूज होगा मैं खुद ट्रिक बता दूंगी, और जहां नहीं यूज होगा तो वहां पे देख सकते हो कि किस तरीके से आप लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। क्यों? क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग के। ठीक है, ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। और ऐसे ही आप लोग का ये लेक्चर नंबर 3 था, हो सकता है तो मैं एक दो वीडियो और करवाऊंगी, साथ में आप लोग को एक मॉक टेस्ट करा दूंगी, ताकि कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी क्वेश्चन आप लोग कहीं भी मिस मत करो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।